सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। हम पूरी सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे, सभी तत्वों पे बात करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज होती क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, यानी कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है, और किन महिलाओं में ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर किसी महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उस अगर वो कंट्रोल नहीं होती तो बच्चे पे और या उनके खुद पे शरीर के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और क्या वो प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू रहती है, तो इन्हीं सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। और हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्टों के द्वारा हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मेरा नाम रश्मि दत्ता है और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो ये डायबिटीज होती है, ये दूसरे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की तरह नहीं होती। ये एक टेम्परेरी डिसीज होती है, टेम्परेरी डायबिटीज होती है। इसको हम यूं समझ लेते हैं कि पहले आपको डायबिटीज नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी आपको कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी हुई तो आपको डायबिटीज हुई, और बाद में आपको डायबिटीज जब आप डिलीवर कर लेते हैं बेबी, तब आपको वो डायबिटीज नहीं रहेगी। 90% केसेस में डायबिटीज जो है कंट्रोल कर ली जाती है, ठीक हो जाती है, वो डिलीवरी के बाद कंटिन्यू नहीं होती, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे किस कारण से जो ये डायबिटीज़ है ये होती है। देखिए, जब हम आप कंसीव करते हो तो इंसुलिन नाम का हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, और उसकी जब वो इतना नहीं बन पाता या आपका शरीर उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाती इंसुलिन को, तो जो शुगर लेवल होता है आपके ब्लड में वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि उसको जो है कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बन जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। देखिए, इसमें 90% महिला का कसूर नहीं होता ये डायबिटीज़ होने में। ये जो भारतीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 9.2% जो महिलाएं होती हैं उसमें ये जेस्टेशनल डायबिटीज देखी जा सकती है। इसको जो है टेस्टों के द्वारा शुरुआती समय में पता लगाया जा सकता है। हम उस टेस्ट की भी बात करेंगे कि क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। देखिए, अगर आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ को लेकर, यानी कि आपके या तो माता पिता या भाई भाई बहन या नाना नानी या दादा दादी, अगर उनको डायबिटीज़ है तो आपके डायबिटीज़ होने के जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें आप ये कर सकती हैं, आप अपने डॉक्टर को शुरुआती समय में ही जब आपने कंसीव किया हो तभी आप उनको आपको बता सकती हैं। वैसे तो वो ही आपसे पूछ लेते हैं और उसी के हिसाब से आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपको करवाना मैंडेटरी होता है इसको शुरुआती समय में ही पहचानने के लिए, ताकि ये आप इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें और इससे आपके शरीर पर या आपके बच्चे के शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। दूसरा है आपकी पेट की चर्बी का बढ़ जाना। देखिए, जब आपने कंसीव किया हो तो मतलब कंसीव करने से पहले ही आपकी जो पेट की चर्बी है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तब भी आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उन महिलाओं में भी ये ज़्यादा पाई जाती है जिनका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है कंसीव से पहले ही। ये तो होता है कि आपका जो प्रेगनेंसी होती है उसमें आपका जो 10 से 12 जो किलो वेट होता है वो नॉर्मल होता है, कि हमने पूरी प्रेगनेंसी में कंसीव यानी कि 9 मंथ तक कंसीव हमने कर लिया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होता है 15 किलो। अगर उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वेट हो रहा हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो हम बात कर रहे थे मोटापे की, अगर आपको पहले से ही आपका वेट बहुत ज़्यादा है कंसीव करने से पहले ही, तो आपको ये जो डायबिटीज़ है होने का जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए। आपका क्या होता है, जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें आप खुद भी घर पे ही कैलकुलेट कर सकती हैं या अपने डॉक्टर से भी आप को बता सकती हैं, वो आपको बता देंगे आपका वेट ज़्यादा है या नहीं।
या आप घर पर गूगल पर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट अपनी हाइट डालिए, अपना वेट जो है वो कन्वर्टर पे आ जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पे अपने डॉक्टर से आप उस टेस्ट को लिखवा सकते हैं कि मुझे वो चीज़ है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उन महिलाओं में भी ज़्यादा होती है जिनकी एज आपकी 30 एज से अबव होती है, तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंसीव कर रहे हैं और आपकी उम्र 30 से अबव है तो प्लीज़ इन टेस्ट को पहले ही प्रिस्क्राइब करवा लीजिए ताकि इसका जो जोखिम है वो कम हो जाए। अगर है भी आपको, अगर होती भी है तो उसको टाइम टू टाइम कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारी महिलाओं को पहले से भी डायबिटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपर वे में जो आहार होता है फूड होता है वो पूरा शेड्यूल करके देंगे, क्या क्या चीज़ें जो मेडिसिन होती है वो बताएंगे, और किन्हीं केसेस में आपको जो है इंसुलिन भी लेना पड़ता है। आप प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ की शिकायत है जो डोज वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जो देते हैं वो डोज को आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रेगनेंसी में जब आप प्रेगनेंट होती हैं तो डायबिटीज़ जो होती है आपका जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वैसे भी, तो वैसे भी अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आप हमेशा अपने पास डोज रखिए ताकि आप उस चीज़ को टाइम से उसको कंट्रोल कर सकें। अब हम बात करेंगे किन कारणों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। देखिए अगर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही हो बार बार, देखिए जैसे प्रेगनेंसी होती है आपको वैसे भी बाथरूम जो है बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आपको पानी पीने के कुछ मिनटों बाद ही अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, या पूरे दिन में आप 30 से 35 बार या उससे ज़्यादा बार वॉशरूम जा रहे हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट है अगर आपको बार बार प्यास लग रही हो, देखिए प्रेगनेंसी क्योंकि गर्मी होती है प्रेगनेंसी में आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, हर एक घंटे में आप 8 से 10 ग्लास पानी पी रही हो, तो समझ लेना कि आपको ये जो डायबिटीज़ है हो सकती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगला है आपको अगर थकान महसूस हो रही, देखिए प्रेगनेंसी जब आपको होती है तो आपको अक्सर थकान महसूस होती है, लेकिन अगर आप हल्का फुल्का काम करने के बाद भी आपको जो है बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, या आपको खाते वक्त बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, आपको चलने में थोड़ा बहुत भी चलने में आपकी सांसें फूल रही हो, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आ जाना, कम दिखाई देना। देखिए जो डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो आपकी आंखों पे पड़ता है, तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको धुंधला दिखाई दे रहा है या चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी सी फील हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, शायद आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है आपको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं। देखिए सबसे पहले टेस्ट होता है आपका, 3 टेस्ट होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं आपको डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है। फर्स्ट है आपका GTT, GTT की फुल फॉर्म है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज में 300 ml वाटर मिलाकर आपको पीना होता है, और ये आपको जो इससे अगर जो टेस्ट कराती हैं उसके 7 से 8 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना होता, और ये आपका ब्लड टेस्ट होता है, इसके द्वारा आपको पता लगाया जा सकता है कि टेस्ट के द्वारा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। नेक्स्ट है आपका RPG, RPG की फुल फॉर्म है रैंडम प्लाज्मा टेस्ट ग्लूकोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ये कभी भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता कि आपको खाली पेट ही टेस्ट कराना होता है, तो इससे भी आप इसका डायग्नोस कर सकते हैं। आपका A1C, इसमें क्या होता है जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं या हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज की मात्रा को चेक किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको मतलब जो ये डायबिटीज़ है इसका पहले शुरुआती समय में पता नहीं लगता या आपने टेस्ट किसी कारणवश नहीं कराया होता, तो ये जो शुरुआती जो 2-3 महीने होते हैं उनका भी ब्लड का आपको जो लेवल है वो बता देता है कि आपको शुगर रही है उन महीनों में या नहीं, तो बहुत अच्छा टेस्ट है ये। मैंने भी इसको करवाया हुआ है जिसमें मेरी जो शुगर है वो डिटेक्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे शुरुआती समय में मैंने ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन बाद में जब मैंने GTT करवाया तो उसमें मुझे उसमें शुगर ज़्यादा आई थी। फिर जब मैं एडमिट हुई तो मुझे A1C का ही सजेशन दिया था डॉक्टर ने करवाने के लिए, जो मैंने करवाया था तो उसमें मेरी शुगर जो है पकड़ी गई थी कि मुझे पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो हो गई है।
तो बहुत फायदेमंद टेस्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है तो इससे आपके ऊपर और आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो आपके जो प्लेसेंटा होता है बच्चे का, उससे जो शुगर होती है आपके ब्लड में वो बच्चे तक पहुंच जाती है, जिससे कि बच्चे का शरीर और आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का जो वेट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है जो नेक्स्ट आपको बच्चा जो जिस वाटर में रहता है, जिस एमनेटिक फ्लूड में रहता है, उसकी जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि ठीक नहीं है। अब इससे क्या होता है जब बच्चा पैदा भी हो जाता है, जब उसमें भी बच्चे को शुगर होने का खतरा रहता है, उससे क्या होता है आपको बच्चे को जो है डॉक्टर के निगाहों में रखना होता है, यानी कि उससे टाइम टू टाइम कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, और उसके जो डे टू डे रूटीन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो क्या खा रहा है उसके डाइट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 साल तक बच्चे को जो है शुगर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये प्लीज़ अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और आगे इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर वो किसी कारणवश कंट्रोल ना हो पाई तो। अब हम बात करें कि माँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पहले तो मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर किसी भी तरह आपकी जो बेबी है किसी भी तरह सर्वाइव भी कर जाए तो आपको जो है प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा रहता है, यानी कि प्री मेच्योरन की टाइम से पहले ही डिलीवरी का खतरा होने का चांसेस रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। नेक्स्ट आपको जो हाई बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये सब सारे चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकती हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करते रहना है हर चीज़ के बारे में। आपको हफ्ते में कम से कम 3 to 4 times अपने जो टेस्ट है वो करना है। अगर आपकी शुगर 125 यानी 125 से 130 के बीच में हो या उससे बढ़ी हुई हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आपने प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रोटीन आपने अपने डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड करना है। आपका जो खाना होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट उसमें कम होना चाहिए, एक मिश्रण खाना होना चाहिए, उसमें सैलेड भी होना चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, आपके प्रोटीन बहुत ज़्यादा होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, आपको हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खानी है, पानी अच्छी क्वांटिटी में लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, तो ये सारी डाइट आपने फॉलो करनी है। और आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जो मेडिसिन बताते हैं, किन्हीं केसेस में आपको इंसुलिन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो टाइम टू टाइम आपने दवाइयाँ लेनी है। इंसुलिन जो बताया है आपको, कई केसेस में तो आपको खुद भी वो सिखा देंगे इंसुलिन लेना, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी डे टू डे में, योग आपको करना पड़ेगा, योगा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में भी आप योगा कर सकते हैं, योग के कई ऐसे प्रकार हैं जो आपको शुगर जो आपके जो शुगर है उसके स्तर को नियंत्रण करने में मदद करता है। हमेशा योग जो है विशेषज्ञों की निगाह में ही करना चाहिए। इसमें है आपका सुखासन हो गया, मर्चारी आसन हो गया, वज्र आसन हो गया, ताड़ासन हो गया, कोणासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये जो आसन है ये आप कर सकती हैं। फोलिक एसिड का प्रयोग जो है आपको डॉक्टर बता सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे का विकास सही से हो सकता है, सामान्य से थोड़ा ज़्यादा आपको फोलिक एसिड लेने की सलाह दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो है क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है जो घास होती है उस पर चलना बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाता है, तो आप मॉर्निंग में 30 मिनट घास पे चल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब आप डिलीवर कर लेती हैं बेबी को, तो 90% जो महिलाएं होती हैं उसमें ये जो डायबिटीज़ है ख़त्म हो जाती है, और कुछ ही केसेस में जो डायबिटीज़ है आगे कंटिन्यू रहती है। अगर ये आगे भविष्य में ना हो, उसके प्रेगनेंसी के बाद भी आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने रूटीन का फॉलो करना है, अच्छी स्लीप लेनी है, खान पान का ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज जैसे कि मैंने बताया योग, ये सब चीज़ें करनी है ताकि आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकें। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे मेंबर बनने के लिए, ताकि हम और भी ऐसी जो यूज़फुल वीडियो है आपके लिए ला सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।